हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटरमिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में मैं महादेवी वर्मा के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और इनकी कृतियों के बारे में बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर के यदि आप अंत तक देखते हैं तो आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इस तरीके से अगर आप जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय को लिखते हैं तो महादेवी वर्मा के जीवन परिचय में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि आपके एग्जामिनर नहीं करेंगे और फुल में फुल मार्क्स दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना है, जीवन परिचय हेडिंग देनी है। हेडिंग देने के बाद से आपको महादेवी वर्मा के जीवन परिचय में लिखना है, महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित कायस्थ परिवार में सन 1907 ईस्वी में होलिका दहन के दिन हुआ था। इनका जन्म जो है 1907 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फर्रुखाबाद में हुआ था। ये सारी चीजें याद रखना है, ठीक है। और इनके इनका जो जन्म है ना, होलिका दहन के दिन हुआ था, तो इसे लिख देते हैं तो और भी रोचक हो जाएगा। आगे लिखना है, इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनके पिताजी क्या थे? एक प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परम विदुषी धार्मिक महिला थी, ठीक है। धार्मिक शास्त्रों को पढ़ने में बड़ी रुचि रखती थी इनकी माता हेमरानी। इनकी माता का नाम हेमरानी था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, ठीक है। आगे लिखना है, एवं इनके नाना जी जो थे ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे। जो महादेवी वर्मा के नाना जी थे वो ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि थे और ये कवि थे। तो इनके पिता क्या थे? प्रधानाचार्य थे। इनकी माता धार्मिक महिला थी और इनके नाना जी एक अच्छे कवि थे, तो इसलिए महादेवी वर्मा जी पर इन सब का प्रभाव पड़ा। महादेवी वर्मा जी पर इन सब का सकारात्मक प्रभाव पड़ा, बड़ा ही अच्छा प्रभाव पड़ा। आगे आगे लिखना है आपको, अंततः वे एक प्रसिद्ध कवित्री, प्रकृति एवं परमात्मा की निष्ठावान उपासिका और सफल प्रधानाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हुई। आगे लिखना है, इनका विवाह 9 वर्ष की अल्पायु में ही हो गया था। विवाहोपरांत ही इन्होंने FA, BA और MA परीक्षाएं समान सहित उत्तीर्ण की, ठीक है। FA और BA और MA की परीक्षाएं जो है इन्होंने समान सहित उत्तीर्ण की विवाह के बाद। 11 सितंबर 1987 ईस्वी को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, ठीक है। तो ये जो लेखिका हैं, इनका निधन कब हुआ? 11 सितंबर 1987 ईस्वी को महादेवी वर्मा जी का निधन हो गया, ठीक है, इसे याद रखना है। अगली हेडिंग आपको देनी है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय में क्या लिखना है, ध्यान से समझिए। साहित्यिक परिचय में लिखना है आपको, श्रीमती महादेवी वर्मा जी का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। तो महादेवी वर्मा जी का जो मुख्य रचना क्षेत्र है वो काव्य है, यानी काव्य में इन्होंने ज्यादा रचनाएं की हैं, यानी कि इनका जो रचना क्षेत्र है वो काव्य है। आगे लिखना है, इनकी इनकी गणना छायावादी कवियों के बृहत चतुष्टयी में होती है। बृहत चतुष्टयी का मतलब है जिसमें जयशंकर प्रसाद जी, सुमित्रा नंदन पंत जी, निराला जी और महादेवी वर्मा, ये 4 कवि ही इसमें हैं। तो बृहत चतुष्टयी कवि यहाँ का इनको जो है बृहत चतुष्टयी कवि कहा जाता है, यानी ये बहुत ही रोचक और अच्छे कवि माने जाते हैं, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की। इसके आगे लिखना है, हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेखसरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था, ठीक है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की तरफ से इन्हें कौन कौन सा पुरस्कार मिला? शेखसरिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता है। इनके काव्य में वेदना यानी करुण रस से भरा हुआ है इनका जो है काव्य है, ठीक है। काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सी श्रेष्ठ गद्य रचनाएं भी हैं। ये काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचनाएं भी करती थी, तो इनकी गद्य रचनाएं भी बहुत सारी प्रचलित हैं। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय पर तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, बाकी 2 नंबर जो होते हैं ना आपको कृतियों पर मिलते हैं। तो कृतियां आपको ध्यान से अच्छे से लिखनी होती हैं। तो कृतियों में क्या कीजिए, जो जो इनकी रचनाएं हैं, जैसे काव्य में रचनाएं की, गद्य में की, तो इसके लिए 2 हेडिंग बना लीजिए और इनकी रचनाएं लिख दीजिए। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है निम्नवत है, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद से कुछ रचनाएं तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख रखा है जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा रचनाओं को याद कर पाए। जितना ज्यादा रचना लिखेंगे उतना ही एग्जामिनर अट्रैक्ट होगा। तो इनकी जो रचना है, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा, ये रचनाएं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य रचनाओं की इनके बात करें तो इनके काव्य रचनाएं जो है सांधिनी, आधुनिक कवि, सप्तपर्णा, ठीक है, ये जो है प्रमुख काव्य रचनाएं हैं। गद्य रचनाओं की इनकी बात करें तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और श्रृंखला की कड़िया, ठीक है, ये जो है ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। तो आशा करता हूँ महादेवी वर्मा का जो जीवन परिचय है, जो साहित्यिक परिचय है और जो कृतियां हैं, ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।